हे फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल इन वैश्वन थेरू ब्लॉग। सो आज हम लोग जा रहे हैं वीस इंग्लिश हाई स्कूल में फॉर एग्जीबिशन। सो यहाँ पे आज एग्जीबिशन लगा हुआ है और चलो फिर जाते हैं। ये है एंट्री, यहाँ पे तीर्थ है, तीर्थ को कुछ नया दिख रहा है तो पानी दिखेगा जहाँ पे वो खेलना चालू कर देता है। तो देखिए, पहला तो उसको देखना कि क्या कुछ तो नया चीज़ दिख रहा है, बर्ड्स जैसा स्वेन। सो ये देखिए, पानी देखते हुए उसे, पानी तो घर में भी बहुत खेलते रहता वो, और यहाँ पे भी उसका चालू हो गया है। तो उसका बस चले तो पानी में हाथ डाल के खेलना भी चालू करेगा। सो ये है एंट्री हमारा, फर्स्ट क्लास का, क्लास में जा रहे हैं जो फर्स्ट फ्लोर पे है, और पहला स्टेट का दिखाएगा, महाराष्ट्र स्टेट का। सो हम लोग अभी यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। गणपति बप्पा मोरिया, कुछ भी काम शुरू करने से पहले हम लोग गणपति बप्पा को याद करते हैं। सिंधुदुर्ग हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात स्थित आहे, तो मालवणच्या किनाऱ्यावर आहे। सिंधुदुर्ग हा महाराजांनी व त्यांच्या मावल्यांनी सोबत मिळून बनवला होता। सिंधुदुर्गची ही विशेषता आहे की इकडल्या समुद्राचं पाणी गोड असतो। जर आपण बघायला गेलो तर समुद्राचं पाणी खारट असत, पण इकडले पाणी गोड असत। आणि हा एक असाच एकच किल्ला आहे जो पूर्ण अरेबिया सीच्या एकदम मधोमध आहे। या किल्ल्याचं नाव आहे मल्हारगड। मल्हारगडला सोनेरी गड पण म्हणतात, कारण की जवळ गाव आहे, त्या गावाचं नाव सोनेरी गाव आहे, म्हणून या गावाचं नाव पण सोनेरी गड म्हणतात। आणि सोनेरी गाव असं म्हणतात कारण की ते खूप म्हणजे तिकडे सोन्याचे उत्पादन होत असतो। आणि या मल्हारगडचं नाव एका मल्हार देवाच्या नावावरून ठेवलं गेलं। फ्रेंड देखिए, ये क्यूट सा छोटा सा मंदिर है, महालक्ष्मी माता का मंदिर बनाया है बच्चों ने, और उनके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, प्रॉपर लिखा हुआ है। ये तुलजा भवानी का छोटा सा क्यूट सा मंदिर बनाया हुआ, क्या ब्यूटीफुल लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है महालक्ष्मी मंदिर, और उसके बाजू में तुलजा भवानी का मंदिर है, और उसी के जस्ट बाजू में रेणुका माता, तो उनका भी देखिए आप देख सकते हो। रेणुका माता का मस्त पिक्चर लगाया हुआ है मंदिर, इतना ब्यूटीफुली। सप्तशृंगी माता का भी मंदिर यहाँ पे आपको देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया हुआ है सेम कलर। और यहाँ पे है गेटवे ऑफ इंडिया। सो ये है मुंबई में, आप सभी को पता ही है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, सभी को पता है इसके बारे में। सो यहाँ पे बच्चों ने इतना ब्यूटीफुली बनाया है ना, तो यहाँ पे एक लैम्प भी बनाया। तो ये देखो, ये हमको एक स्टूडेंट है वो जो जला के उसमें लैम्प लगा के ना दिखाएगी, तो जलेगा तो बहुत ब्यूटीफुल। और यहाँ पे है सब हमारे जो समाज सेवक थे, जिन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, अपने सोशल वर्कर जो बोल सकते हैं हम लोग, हर एक चीज़ों में उनका योगदान रहा है। और यहाँ पे यहाँ महाराष्ट्र की कुछ साड़ियों का कलेक्शन है, और यहाँ पे देख सकते हैं जो संत रहते थे उनकी वजह से भी बहुत सारे चेंजेस आए हमारे लाइफ में और हमारे महाराष्ट्र के लाइफस्टाइल में। ये है महाराष्ट्र का फेमस फूड, जो आप देख सकते हैं वड़ा पाव, पुरणपोली, मोदक, और ये सब देख सकते हो मिसल पाव। इसके पोस्टर्स भी लगाए हुए हैं बच्चों ने, कितना ब्यूटीफुली वो लोग ने कितना हार्डवर्क किया है, क्योंकि मुझे पता है वैशु को भी एक ऐसे ही पोस्टर, बड़ा सा पोस्टर बना के देना था। और ये है प्रतापगढ़ का किला, देखिए कितना ब्यूटीफुली बनाया है इन बच्चों ने, कितना हार्डवर्क किया होगा इसके लिए। तो एक लाइक तो प्लीज़ इनके लिए आप लोग करना, बहुत बहुत ही ब्यूटीफुली बनाया है। जो भी ये वीडियो देख रहा है प्लीज़ एक लाइक और कमेंट करो जय महाराष्ट्र, कमेंट में ज़रूर लिखिए जय महाराष्ट्र। और ये हमारे शिवाजी महाराज, और देखिए कितना ब्यूटीफुली बनाया है बच्चों का, सब बच्चों का हार्डवर्क दिख रहा है इसमें, उनका जो बोलते हैं ना कितना मेहनत किया रहेगा रात रात को जाग के भी ये सब बनाने में। और वो लोग इतना टाइम से बेचारे खड़े होके एक एक चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन भी कर रहे थे, तो वो भी बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर रहे थे। सबका हार्डवर्क और कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वेलकम टू गुजरात, चलिए हम लोग जाते हुए गुजरात वाला ब्लॉक में, क्लास में। यहाँ की फेमस फेमस चीज़ें जो है देखिए आप लोग, शुगर फैक्ट्री, पेपर फैक्ट्री, और
कॉटन फैक्ट्री, ये सब गुजरात में सूरत में जो फैक्ट्रीज थी उनके पिक्चर, उनके सब बना के बच्चों ने लाया है। देखिए ना कितना ब्यूटीफुली बनाया है, कितना छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। शुगर फैक्ट्री और वहाँ का ये आपको आश्रम दिखेगा, साबरमती आश्रम भी है यहाँ पे। वहाँ का घर जो ट्रेडिशनल घर था, ये ब्यूटीफुल गर्ल जो बहुत अच्छी क्यूट लग रही है, इसके लिए भी एक लाइक दो। बहुत ब्यूटीफुली, वाह देखिए ना कितना सुंदर डेकोरेट किया हुआ है। ये देख के तो इतना मुझे तो अच्छा लगा ना कि एक एक चीज़ें मैं बहुत ही बारीकी से देख रही थी और वीडियो लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन थोड़ा गर्दी ज़्यादा बढ़ रहा था इसके लिए फटाफट मैंने वीडियो लिया है। तो आप लोग देखो, ध्यान से देखो, वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो। ये है साबरमती आश्रम जहाँ पे हमारे महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा चालू की थी नमक के लिए। आप लोग को ये सभी को पता है, तो यहाँ से उन्होंने दांडी यात्रा चालू किया था। ये है डायनासोर का ट्रायल समथिंग, यहाँ पे देखिए लिखा है। और ये स्टेट ऑफ यूनिटी स्टैचू आप देखिए अपना यहाँ पे देखिए, सबके बारे में ना बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ। और यहाँ का गुजरात का ट्रेडिशनल वेयर जो होता है ये आप देख सकते हैं, इतना ब्यूटीफुली इन्होंने लाके और इसको डेकोरेट करके रखा हुआ है। वहाँ के एक एक चीज़ जो डेकोरेशंस की चीज़ें होती है वो सब भी है, बारीकी से देख सकते हो आप एक एक चीज़ें। वो उन्होंने बहुत ही अच्छे से सर्च कर करके लाया है, बच्चों ने बनाया है। और ये ब्यूटीफुली बैग, वाओ सो नाइस। और यहाँ वहाँ का गुजरात का ट्रेडिशनल फूड जो है आप देख सकते हो, ढोकला, फाफड़ा, जलेबी। और ये हमारे मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राउड ऑफ यू सर। और महात्मा गांधी जी, हमारे परमपिता महात्मा गांधी जी। और ये है सब, देखिए कितने मस्त से उन्होंने ये बच्चों ने बनाया भी है और उसके बारे में एक्सप्लेन भी किया हुआ, बारीकी से लिख के भी लाया वो लोग ने प्रॉपर चीज़ें। तो आप देखो कितना सुंदर, कितना हार्डवर्क है इन लोगों का। और ये वीडियो ना बहुत दो पार्ट में मैं करने वाली हूँ, क्योंकि एक पार्ट में तो पूरा ही नहीं होगा। मेरे पास और भी एक क्लास में जो उत्तर प्रदेश और बेस्ट आउट ऑफ